गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं एक बार फिर हाजिर हूँ एक नए टॉपिक के साथ आपके अपने YouTube चैनल सिविल कंस्ट्रक्शन में। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको रिटेनिंग वॉल के रिइंफोर्समेंट डिटेल के बारे में बताने वाला हूँ दोस्तों। तो सबसे पहले मैं आपको दोस्तों इसका प्लान दिखाऊंगा, उसके बाद मैं आपको इसके सेक्शन के बारे में बताने वाला हूँ कि क्या क्या रिइंफोर्समेंट इसमें यूज किया गया है रिटेनिंग वॉल में दोस्तों। तो दोस्तों, अगर आप मेरी वीडियो पर नए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इसके प्लान पे लेके चलता हूँ। तो दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं RW1, ये हमारा एक रिटेनिंग बोल है जिसका जो साइज दिया हुआ है मैं आपको बता देता हूँ। ये रिटेनिंग बोल का जो साइज है दोस्तों, ये 450 mm है और ये आपका एक्सटिवेशन का साइज आ जाता है 600 आपका इधर और ये 1200 आपका अंदर साइज में आपका 1200 में टोटल आपका 2250 हो जाता है दोस्तों। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। बाकी ये वाला पार्ट जो दिख रहा है आपको, ये चीज़ ग्रेट स्लैब का पार्ट आ जाता है। तो चलिए मैं आपको इसके सेक्शन पे लेके चलता हूँ और इसकी रिइंफोर्समेंट डिटेल के बारे में बताता हूँ दोस्तों। तो जैसा कि मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं रिटेनिंग बोल का जो साइज है 450 mm, ये 1200 mm आपका ये आ गया और 600 mm आपका ये आ गया दोस्तों। सबसे पहले इन्होंने क्या किया दोस्तों, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं सब PCC यूज किया गया है 1:4:8 का 75 mm थिक, जो कि जो ग्रेड होता है दोस्तों M7.5 यूज किया गया है दोस्तों। उसके बाद PCC के बाद इन्होंने आप देख सकते हैं यहाँ पे वाटर प्रूफिंग किया गया है, वाटर प्रूफिंग एज पर स्पेसिफिकेशन यहाँ पे आप देख सकते हैं। वाटर प्रूफिंग के बाद दोस्तों आ जाता है इसका बॉटम मैश का, जो आप रिटेनिंग बोल में जो आपकी इसकी बॉटम मैश आएगी इसकी, तो उन्होंने क्या यूज किया हुआ है आप देख सकते हैं। जो मेन बार यूज किया हुआ है 16 डाया का यूज किया गया 150 mm सेंटर टू सेंटर और जो डिस्ट्रीब्यूशन बार यूज किया हुआ है 10 डाया का यूज किया गया है 200 mm सेंटर टू सेंटर दोस्तों। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे दो बार यूज किए गए 10 डाया के यहाँ पे इस साइड भी और आप देख सकते हैं इस साइड भी दो बार यूज किए हैं 10 डाया के दोस्तों। उसके बाद अगर मैं इसकी बात करूं यहाँ पे, तो ये पार्ट जो देख रहे हैं दोस्तों, ये आपका ग्रेट स्लैब का पार्ट है। ये जो आप देख रहे हैं ये चीज, ये आपका ग्रेट स्लैब का पार्ट है। तो जो इसमें इसकी बात करें इसकी रिइंफोर्समेंट की, तो इन्होंने 8 डाया का यूज किया गया 200 mm सेंटर टू सेंटर दोस्तों, ये यूज किया गया। ये तो बात करें मेन बार और डिस्ट्रीब्यूशन बार, दोनों इन्होंने 8 mm डाया का यूज किया गया। उसके बाद बात करें दोस्तों रिटेनिंग बोल का, जो आपका ये टॉप बार की बात करें, जो आप टॉप मैस ये आने वाली है, तो इसमें इन्होंने जो आपका मेन बार यूज किया है 12 डाया का यूज किया गया 200 mm सेंटर टू सेंटर और जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन बार यूज किया गया है 10 डाया mm का 200 mm सेंटर टू सेंटर दोस्तों। उसके बाद इसका रिटेनिंग बोल का जो रिइंफोर्समेंट आप दे सकते हैं, जो यहाँ पे आपका एल आ जाता है, जो LD कह सकते हैं इसको आप, ये 300 mm इधर लिया हुआ है दोस्तों, 300 mm इधर और 300 mm का इधर आ जाता है। उसके अगर मैं रिटेनिंग बोल की, तो आपकी सबसे पहले दोस्तों आपकी रिटेनिंग बोल की जो आपका फाउंडेशन है उसका रिइंफोर्समेंट था। अब मैं आपको रिटेनिंग बोल के जो आपका स्टील यूज होने वाला उसके बारे में बताता हूँ। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे 600 mm डाया तक, तो 600 mm डाया तक जो आप इन्होंने जो वर्टिकल यूज किया, जो मेन बार यूज किया है 12 डाया का 200 mm सेंटर टू सेंटर और 650 mm तक दोस्तों। उसके बाद जो डिस्ट्रीब्यूशन बार है वो 10 डाया का यूज किया गया 200 mm सेंटर टू सेंटर। यहाँ पे आप इसकी थिकनेस देख सकते हैं 450 mm थिकनेस देख सकते हैं इनके। उसके बाद मैं बात करूं दोस्तों 650 mm के ऊपर की हाइट तक की बात करूं, उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं जो मेन बार यूज किया गया है उन्होंने यहाँ पे इनके 12 डाया का 200 mm सेंटर टू सेंटर प्लस 12 डाया एट द रेट 200 mm सेंटर टू सेंटर, जो दोस्तों आपका एक तरफ का है, और उसको जो डिस्ट्रीब्यूशन बार है वो 10 डाया का यूज किया गया 200 mm सेंटर टू सेंटर। और मैं बात करूँ इसके इसके आप देख सकते हैं दूसरी साइड में, तो यहाँ पे भी उन्होंने 12 डाया का यूज किया गया 175 mm सेंटर टू सेंटर प्लस 12 डाया का एट द रेट 175 mm सेंटर टू सेंटर। यहाँ पे दोस्तों आपके ये अलग हो जाता है, यहाँ से आपके क्या हो जाता है साइज चेंज हो जाता है, ये आपका 450 है, ऊपर से आपका 300 mm का ये हो जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे उन्होंने एल दिया हुआ है, जो मेन बार को इन्होंने बेंड कर दिया, LD दे दिया यहाँ पे आप देख सकते हैं इधर से। उसके बाद आपकी दूसरी रिइंफोर्समेंट स्टार्ट होती है दोस्तों, क्या है जो डिस्ट्रीब्यूशन बार है वो 8 डाया का यूज किया 200 mm सेंटर टू सेंटर और जो आपकी जो मेन बार यूज की हुई है वो 12 डाया का यूज किया गया 175 mm सेंटर टू सेंटर एक तरफ है और दूसरी तरफ आपका 12 डाया का 200 mm सेंटर टू सेंटर यूज किया गया दोस्तों। ये आपका 650 mm की
डिस्टेंस पे जो ये आपका स्लैब का पार्ट आ जाता है दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो आपको दे रहा है ये आपका स्लैब का पार्ट आ जाता है कि नॉन टावर एरिया स्लैब प्लस 300 लेवल। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं जो यहाँ पे लिखा है बेसमेंट लेवल FF, जो फ्लोर फिनिश लेवल है आपका कितना है दोस्तों, ये जो आपका ग्राउंड लेवल से ये आपका 5550 माइनस 5550 है दोस्तों। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपका रिटेनिंग वॉल के दोस्तों रिइंफोर्समेंट का डिटेल आ गया। ये चीज़ यहाँ पे आप सही से, यहाँ पे आपकी 300 mm थिकनेस आ गई है दोस्तों ये चीज़, और ये आपका ये 75 mm 200 फ्लोर फिनिश लिया हुआ है। फ्लोर फिनिश तो हम यू लेके चलते हैं, 75 mm उसका लिया हुआ है ये। यहाँ पे बाकी जहाँ पे आपकी जो स्लैब आएगी दोस्तों, यहाँ पे आपके एल हो जाएगा, एल हो के आपका क्या हो जाएगा स्लैब में ये पार्ट में चला जाएगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो मेरी पसंद आई होगी। अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत है दोस्तों तो आप मुझे कमेंट में करके बता सकते हैं। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मैं अगली बार फिर हाजिर हूँगा एक नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।